सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज में पाइपिंग लगाना। दो तरीके से पाइपिंग लगा सकते हैं आप। अगर आप पे पाइपिंग नहीं आती है अच्छे से लगाना तो आप दो तरीके से लगा सकते हैं, पहले पीछे के पल्लर पे और फिर आगे के पल्लर पे। इससे क्या है, लगाने में आपको आसानी रहेगी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमें पाइपिंग लगाना नहीं आता है, तो मैं उन्हीं के कहने पे ये वीडियो बना रही हूँ कि आप दो तरीके से पाइपिंग लगा सकते हैं। अगर आप आगे का पल्लर जोड़ के पीछे के पल्लर में लगाना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर आप पे नहीं आती है तो आप पहले पीछे के पल्लर पे लगा लीजिए पाइपिंग और बाद में आगे के पल्लर पे। इससे क्या है, सफाई भी आ जाती है और अच्छे से पाइपिंग भी लग जाती है। तो जैसे हमें पीछे का गला बनाना है तो पहले पीछे के गले के लिए ब्लाउज का नाप लेंगे। अभी हमारा ब्लाउज है तो हम इसका नाप लेंगे कि हमें कितना गला बनाना है। यहाँ पे शोल्डर है जो पीछे का, इसकी जो गले की लंबाई है वो 9.5 इंच की है। तो यहाँ पे हम गले की जो चौड़ाई लेंगे वो 2.5 इंच की लेंगे। हम हमेशा 2.5 इंच की चौड़ाई इसलिए लेते हैं कि हमारे कंधे गिरे ना। अगर हम 3 इंच की चौड़ाई लेंगे तो हमारे कंधे गिरेंगे, इसलिए हम 2.5 इंच की चौड़ाई लेते हैं और 9.5 इंच की लंबाई। अब हमने जैसे ऊपर 2.5 इंच लिया है तो नीचे हम 3 इंच लेंगे। अब इसी में हम गोलाई का शेप दे देंगे। ये हमारा निशान है, इसी में हमें गोलाई का शेप देना है। अब देखिए ये हमारा पीछे का हो गया। अगर हम इसको ज़्यादा लंबाई में बनाना चाहते हैं तो हम इसको डबल करेंगे और भी यहाँ से लंबाई इस तरीके से ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा पीछे का हो गया। अब गले पे पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए हमें कपड़े को चौकुटा चाहिए। हमें कपड़ा कौन सी भी हम कलर की पाइपिंग लगा सकते हैं, गोल्डन भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें चौकुटा कपड़ा चाहिए और यहाँ से कुन्ने से हमें इसे तिरछा करना है। पाइपिंग के लिए हमें तिरछा करना ज़रूरी है। कभी भी आप सीधे कपड़े को पाइपिंग ना लगाएं। बहुत से लोग सीधी पट्टी लगाते हैं तो वो पाइपिंग अच्छी नहीं आती है। हमेशा हमें तिरछी पट्टी ही लगानी है। अभी हमने तिरछी पट्टी कर ली। अब इसकी जो चौड़ाई हम 1.5 इंच की लेंगे, यहाँ से हम चौड़ाई रखेंगे वो 1.5 इंच की लेंगे। अब इसको हम जोड़ देंगे। अब हमें एक जैसे हमारी ये कटिंग है उसी के बराबर हमें सिलाई लगानी है, आधा आधा इंच। तो ये हमारी आधा इंच का जो कपड़ा दबा हुआ है और जैसी कटिंग है उसी के बराबर हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम इसको बराबर करेंगे। अब ये हमारा सीधा है। सीधे के ऊपर हम ये पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब ये पट्टी को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अंदर का कपड़ा हमारा दबना चाहिए इस तरीके से। अब देखिए पट्टी के ऊपर हमने सिलाई लगा ली। अब ये अंदर का जो कपड़ा है उसको काट लेंगे।
अब पाइपिंग जैसे हम पतली बनाना चाहते हैं उतना ही हम कपड़े को बाहर निकालेंगे, बाकी अंदर को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे और पाइपिंग के नीचे सिलाई लगानी है, पाइपिंग के ऊपर सिलाई ना जाए। अब देखिए कितनी सुंदर पाइपिंग आई है और अंदर का कपड़ा भी दबा हुआ है, ये देखिए। इससे क्या है कि आसानी होती है पाइपिंग लगाने में, जैसे हमने पीछे के पल्लर पे लगा लिया इसी तरीके से आगे के पल्लर पे लगा लेंगे। देखिए आगे का जो गला है वो हम जैसे ब्लाउज का पहले नाप ले लेंगे, कितना हमें गला रखना है तो हमें क्या करना है पट्टी को नापना है पहले। कभी अभी आप ब्लाउज का गला बनाएं तो इस तरीके से नाप लें, ये हमारी पट्टी हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको नापेंगे इस तरीके से, तो देखिए ये हमारा बड़ा हो रहा है ये वाला, तो हम ऊपर से यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ से थोड़ा सा आरूमल को बढ़ा देंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी नापेंगे इसको यहाँ से, अभी दोनों साइड से हमने बराबर गले की कटिंग कर ली है। अब इसको हमें यहाँ से बराबर करनी है पट्टी। अब ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमें पट्टी को रखेंगे। अब यहाँ से इसको दबाएंगे, अंदर वाला जो कपड़ा है उसको दबाते हुए सिलाई लगानी है। अब ये पट्टी का कपड़ा जो ज़्यादा है उसको काट लेंगे। अब देखिए बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए, ये कपड़ा अंदर का दबना चाहिए तो पाइपिंग भी अच्छे से आएगी। अब दूसरे साइड भी इसी तरीके से लगाएंगे। अब ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमें पट्टी को रखेंगे। अब यहाँ से अंदर की साइड दबा के अब ये हमारे आगे के पल्लर का गला बन गया और छोटा है गला आगे का, तो हमें पाइपिंग लगाने में आसानी है। अगर बड़ा हो जाएगा आगे और पीछे के दोनों पल्लर हम जोड़ेंगे तो बड़ा गला हो जाएगा तो हमें दिक्कत आती है, तो हम इस तरीके से बड़ी आसानी से पाइपिंग लगा सकते हैं। अब इसमें हम पीछे का पल्ला जोड़ देंगे, यहाँ से शोल्डर से हमें सिलाई लगानी है इसको बराबर करके। अब इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे।
अब यहाँ से गले को पीछे की साइड इस तरीके से दबा के जो शोल्डर है हमारा इसको दबा देंगे और टांका लगा लेंगे। इधर भी टांका लगा देंगे और इसको भी पीछे की साइड करके टांका लगा देंगे। इससे क्या है, हमारा शोल्डर ऐसे ही लगता है जैसे दोनों साइड हमने पाइपिंग एक साथ लगाई हो, दिखाई भी नहीं देती है। मगर इस तरीके से लगाने में क्या है, आसानी हो जाती है। ये लग गई हमारे गले में दो तरीके से, आसान और सरल तरीके से पाइपिंग। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।